Hey guys, तो अभी संडे है और संडे को मैं घर पे तो ऐसे बैठ नहीं सकता क्योंकि सागर का मैसेज आता है कि राइड के लिए निकलना है क्या, और मैं उसे मना नहीं करता है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं कसारा के लिए। सागर को फ्यूल अप करना था इसलिए वो पीछे में कहीं पर रुका हुआ है, और खली सी उसकी जो खली सी है उसको लेके आया हुआ है। और हम लोग बीच रास्ते में कहीं पर रुके फिलहाल टूवर्ड्स कसारा। मतलब सी संडे है और संडे को मतलब कहीं गए नहीं और कुछ कंटेंट लिया नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं है सर। तो इसलिए फिर हम लोग ने सोचा कि निकलते ही है। और सेकंड बात ये है कि एक तो मैं मतलब गड़बड़ी में मेरा एक्शन कैम लिया है जो कि चार्ज नहीं है, और तो मुझे अभी जो मेरा सारा फुटेज होगा वो लेना पड़ेगा इसी कैंप पे। और ये रहा आपका सागर से। हाय सागर। हाय। तो कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अभी? अभी अपन जा रहे हैं अपना मोटो जीपी, नासिक का मोटो जीपी कसारा घाट। तो हम लोग जा रहे हैं कसारा घाट अभी, तो मिलते हैं वहाँ पे। गाइस, तो अभी हम लोग का राइड तो ऑलमोस्ट कसारा का जो राइड था वो हो चुका है। अभी हम लोग हाईवे पे कहीं पे चाय के लिए रुके इस वाली जगह पर, तो फटाक से एक चाय पीते। मतलब आज का क्लाइमेट थोड़ा अच्छा रहा, मतलब कसारा का जो वेदर था इट वाज क्वाइट गुड। उसके बाद हम लोग चाय लेके फिर यहाँ से निकल लेते हैं।
यहाँ पे माहौल थोड़ा सा डिस्को टाइप का बना हुआ है, मतलब अगर ऊपर में देखोगे ना तो यहाँ पे अच्छी खासी डिस्को की लाइट है, और हम अभी डिस्को में बैठ के क्लब में बैठ के चाय एंजॉय करने वाले हैं। हाँ सागर, हम लोग अभी क्लब के अंदर बैठ के चाय पीने वाले हैं। यस, हे गाइस, तो फाइनली मैं अभी व्लॉग एडिट करने के लिए बैठा हूँ, जो कि मेरा सुबह मैंने व्लॉग एडिट करने के लिए लिया था, जो हो नहीं पाया बिकॉज पटाखे फूट रहे थे। नहीं, एक्चुअली पटाखे नहीं फूट रहे थे, रीज़न ये है दिवाली यार, मतलब ये टाइम पे ये होना ऑब्वियस है। तो हुआ ये कि मैं सुबह जब भी व्लॉग एडिट करने के लिए बैठा था तो मुझे सागर का फ़ोन आता है और मुझे राइड के लिए निकलना पड़ा, बिकॉज मैं मना नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियस है वो एक डुओ राइड था हम लोग का, एक छोटा सा राइड था जो कि था कसारा जो है नासिक का मोटो जीपी, तो वहाँ पे हम लोग तो मना नहीं कर सकते बिकॉज बहुत टाइम के बाद मैं वापस जाने वाला था और बहुत टाइम से मैंने कसारा घाट में राइड नहीं किया था, तो आई थॉट कि चलो लेट्स डू दिस, और मुझे अच्छा खासा फुटेज भी मिल जाता जो कि थोड़ा बहुत फुटेज है अच्छा खासा मिल चुका है इस वाले ब्लॉग के लिए। उसके अलावा एक चीज़ मुझे बताना था, जब भी हम लोग ग्रुप के साथ राइड करते हैं या फिर जब भी हम लोग किसी प्रोफेशनल या फिर किसी हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ राइड करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है बेसिकली। तो आज भी वही हुआ सागर के साथ, जब भी हम लोग कसारा पहुँचने के बाद थोड़े टाइम का हम लोगों ने जो ब्रेक लिया था तभी हम लोग ने बहुत सारा डिस्कशन किया कि कॉर्नर्स को लेके, जैसे कि कॉर्नर्स में आपका थ्रॉटल कितना होना चाहिए, ब्रेकिंग कितना होना चाहिए, आरपीएम कितना होना चाहिए, गियर कैसे स्विच करना है, कब नहीं करना है, कब कौन सा ब्रेक आपको यूज़ करना है, तो ये छोटे छोटे माइनर चीज़ें जो आपको तभी समझती है जब भी आप एक्चुअल में राइड पे जाते हो या फिर एक्चुअल में किसी प्रोफेशनल या फिर एक्सपीरियंस पर्सन के साथ राइड करते हो। तो आज वही हुआ कि उसके साथ हम लोगों ने बहुत डिस्कशन के बाद जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे बाहर निकल के आती हैं और फिर आपको नेक्स्ट राइड के लिए फिर आप प्रिपेयर हो जाते हैं, तो ये एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है हमेशा। एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ माई व्लॉग, और मुझे बताना कि आपको कैसे लग रहा है। आज के लिए यहीं पर रुक रहा हूँ बिकॉज बहुत लेट हो चुका है आज के व्लॉग के लिए और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा काम भी बचा हुआ है, तो मुझे आज का व्लॉग यहीं पर रुकाना होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग जो कि आएगा आपका कल में, और कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए फ्रेश डे के साथ। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कि अपना रोज़ का कहानी है, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गुड नाइट।